sources of carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant class of carbon containing compounds. They have various sources such as following. Monosaccharides such as glucose ho gaya, fructose ho gaya, galactose ho gaya, are obtained from the fruits, vegetables, cereals. अनाज क्या होता है? ये जो दाने टाइप ग्रेन्स 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 क्या होता है? गंदम, चावल, ठीक है, मकई, इस तरह के तो ग्रेन्स आपको मिलते हैं. फिर डाइसैकेराइड्स अच्छा सुक्रोज हो गया, इज ऑब्टेंड फ्रॉम द शुगर कैन. ये जो आप चीनी खाते हो ना, चीनी सुक्रोज है, ये शुगर भी उठ गया. चकंदर का भी क्या है? चकंदर सुरक्षित. अच्छा वो एंड रूट्स. तो डाइसैकेराइड्स अच्छा सुक्रोज इज ऑब्टेंड फ्रॉम द शुगर कैन, शुगर बीट एंड रूट्स. माल्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का डाइसैकेराइड इज फाउंड इन द सीरियल्स. लैक्टोज is main sugar in milk and dairy products. ये उनमें मौजूद होता है. सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स इज द कॉटन इज प्योर सेलुलोज, मतलब कपास जो आप हम. फिर स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, वीट, बार्ले. बार्ले का होता है भाई ये जौ, जौ चावल, मेज, मकई, पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी, मीठी मीठी होती है, एक्सेट्रा वगैरह. जिन्हें मीठे आलू दोनों क्या होते हैं? अच्छा जी, वो कभी कभी देखा रेडी के ऊपर बड़े बड़े आलू की टार की चीज होती है, वो काट काट के ऊपर लीमू ने छोड़ के दे रहते हैं साथ, बड़ा मजेदार होता है. तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर, अब ये बच्चे इनके फंक्शंस आपको बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जब वो स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी को प्लांट्स में और एनिमल्स में. 1 ग्राम आप ग्लूकोज अगर जल जाए तो आपको 15.6 किलो जूल, ठीक है, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. किलो जूल आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे सर्व एज फूड सोर्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म. ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा चीजें हैं, उनके लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. आप रोटी जो खाते हैं वो असल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अब ओ अच्छा अच्छा समझ आ रही है, वो रोटी के जो निवाले हम खा रहे हैं असल में क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं. बड़ी बात, तो इतनी ज्यादा हम खाते हैं, इतनी ज्यादा भी एनर्जी भी तो यूज करते हैं ना. सो दे सर्व एज फूड सोर्स ऑफ फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. कार्बोहाइड्रेट सर्व एज स्ट्रक्चरल मटीरियल. किसके तौर पर काम आते हैं? तामीराती मादे के तौर पर फॉर प्लांट्स, क्योंकि वो सेलुलोज सेल वॉल में होता है. सेलुलोज इज इन द ह्यूमन डाइट, इंसानी खुराक के अंदर जो सेलुलोज है इज रेफर्ड एज फाइबर. इसको फाइबर के नाम से याद किया, मतलब फाइबर के. तो इंसानी खुराक के अंदर जो सेलुलोज आप यूज करते हैं, इट इज फाउंड इन ब्रॉन. ब्रॉन का होता सूडा, समझते हो? जब आप आटा सानते हो तो उसके पीछे भूसी जिसे बोलते हैं, तो वो उसे ब्रॉन कहते हैं. होल मील, ये क्या मतलब होल मील ब्रॉन? अनछना आटा नहीं, उसकी रोटी. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह में वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट. हमें हम वो जो भूसा है ना, भूसी जो है, उसको डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेकिन वो हमारे लिए बड़ी अहम है. इट हेल्प्स द मसल्स ऑफ अवर इंटेस्टाइन. ये हमारी जो आंत है, ठीक है, जो जिसके अंदर हमारी खुराक मूव कर रही होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब निजाम निजाम के अंदर जो खुराक की नाली है, ये उसकी मदद करता है टू मूव द फूड एफिशिएंटली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक. के वो मसल्स को हेल्प करता है कि जो खुराक है वो नाली के अंदर कहीं जाकर रुक ना जाए, ठीक है, वो आगे मूव हो, ठीक है. टू मूव एफिशिएंटली, बड़ा आसानी के साथ थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर रुक गई तो बंदे को कब्ज हो जाती है, बहुत ज्यादा वाटर जो है बॉडी उससे एब्जॉर्ब करती है, और फिर वो जो खुराक मतलब फाजल मादे हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं है, हमारी बॉडी से खारिज नहीं होते, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारी बीमारियां उसे जन्म लेती हैं. तो इट एब्जॉर्ब द इट एब्जॉर्ब एंड कैरीज अवे टॉक्सिक. और दूसरी बात, ये जो फाइबर्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, जैसे आप छिलका नहीं, इस पगोल का छिलका, वो भी फाइबर है. तो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं अपने अंदर टॉक्सिक केमिकल्स को, जो जहरीले माता जाते हैं उनको इन द फूड दैट विद अदरवाइज हार्मस, जो वरना में नुकसान बन जाएंगे. इट ऑल्सो हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर. इससे बेटा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, बाकायदा बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं. प्रॉब्लम किसी को?
सो सुक्रोज इज यूज्ड एज कॉमन टेबल शुगर, सुक्रोज जो आप चीनी खा रहे होते हो ये आपकी टेबल शुगर है. ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड इन लीवर सेल्स, ये आपके कलेजा नहीं जैसा कहते उसके अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज, और उसी के साथ पैंक्रियाज होता है. ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लीवर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है. ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन सर्व एज लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर, ये एक देर पा एनर्जी के जखीरे के तौर पर इस्तेमाल होता है. इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज, हम उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेन नीडेड एनर्जी, जब हम एनर्जी की जरूरत होती है. प्लांट्स स्टोर एक्सेस एनर्जी एज स्टार्च और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च इज यूज्ड टू मेक द रेक्टिफाइड सॉरी हाँ ठीक है स्टार्च जो हम उसे इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के लिए बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. आटे को खमीर लग जाए तो उससे भी क्या बनती है रेक्टिफाइड स्पिरिट. अब ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या असल में ये शराब है यार, 95% C2H5O जो है असल डेफिनेशन ये है कि 95% जो C2H5OH है उसको कहा जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट. और ये असल में ये चीज है, ये बनाने में आपका जो स्टार्च है इसकी फर्मेंटेशन यू नो एनएरोबिक रिस्पायरेशन से जो चीज तैयार दैट इज द फर्मेंटेशन. स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ये डेक्सट्रिन क्या है, नाइन्थ क्लास में कहीं हमने बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा था ग्लूज वगैरह या स्टिकी मटेरियल हम बनाते हैं चीजों को चिपकाने के लिए. तो डेक्सट्रिन विच इज यूज एज एन एडहेसिव फॉर स्टैम्प्स मोरों के लिए और वॉल पेपर ग्लू चीजों को चिपकाने के लिए जो बैनर चैनल लगाते हैं उनके लिए आमतौर पर लई कहा जाता है इसको. फिर कॉज कैटल्स जो मवेशी हैं गोट्स डियर शीप एंड टर्माइट्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेल्यूलोस, दीमक वगैरह सारे पत्ते शत्ते खाते हैं जो जानवर हैं आपके तो भी सेल्यूलोस को हजम कर लेते हैं, दीमक भी सेल्यूलोस को हजम कर लेती है लेकिन इंसान नहीं कर सकते. वी यूज सेल्यूलोस इन द फॉर्म ऑफ वुड फॉर हीटिंग हाउसिंग एंड फर्नीचर. वुड इज ऑल्सो यूज टू मेक द पेपर एंड वुड पल्प, तो जो वुड है हम उसे पेपर पल्प भी बनाते हैं और वुड पल्प भी बनाते हैं. अब ये पल्प क्या क्या होता है ये पेस्ट पेस्ट टाइप एक चीज होती है जिससे कागज बनता है ठीक है, और जैसे प्लाईवुड नहीं लकड़ी प्लाईवुड बनाने के लिए भी ये मटेरियल यूज होता है ठीक है, पेस्ट टाइप चीज होती है. तो ये आपको बता रहे हैं वो वहां पे ये पेस्ट टाइप मटेरियल दैट इज यूज टू मेक द प्लाईवुड, उसके ऊपर जो शीट्स बनती है प्लाईवुड की या ये जो पेपर की शीट्स बनती है. सेलुलोज फाइबर ऑफ कॉटन इज यूज टू मेक द रेयन एंड सेलुलोज सेलुलोज एसिटेट, तो जो कपास के रेशे हैं वो इस्तेमाल होते हैं जी, ये भी एक पॉलीमर है और ये भी एक पॉलीमर है इन दोनों को बनाने में, विच इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मेकिंग द क्लोथ्स कपड़े बनाने में. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जी आपकी, लिस्ट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स के तीन एग्जाम्पल्स ग्लूकोज है फ्रुक्टोज और लैक्टोज है माल्टोज के आगे दो ग्लूकोज के थे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टोज तीन एग्जाम्पल आपने देखी है पीछे ठीक है ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज और ये गैलेक्टोज 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 प्रॉब्लम किसी को. फिर आगे क्या जी वन एग्जाम्पल आप ट्राई तो वो रैफिनोज आपने रैफिनोज रैफिनोज देखा, टू एग्जाम्पल आप पॉलीसेकेराइड्स सेलुलोज ग्लाइकोजन और स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स वगैरह स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन. लिस्ट सोर्सेज आप सुक्रोज सुक्रोज के सोर्सेज बताएं, शुगर क्या है शुगर बीट है, माल्टोज के आप बताएं लैक्टोज के आप बताएं, तभी आपने सोर्सेज पढ़े हैं हमसे देखें जाके. फिर एक्टिविटी वैसे बता देना मुझे आप कितना याद है, माल्टोज के सोर्सेज बताएं जरा, लैक्टोज के सोर्सेज क्या हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क लैक्टोज आपको वहां से मिलेगा. सुक्रोज शुगर क्या मैंने बता दिया, माल्टोज ये माल्टोज इन फ्रॉम द सीरियल्स
दानों के अंदर आपको माल्टोज मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हमने कर लिया। फिर एक्टिविटी है कि मिक्स ए टीस्पून आप टू चेक रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन वाटर आ स्टार्च एंड शुगर। क्या आपने ये चेक करना है कि शुगर पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होती है स्टार्च, तो स्टार्च भी आपको मिलता है लैब में, ठीक है, तो चेक करना जी। कहता है मिक्स ए टीस्पून फुल ऑफ स्टार्च इन बीकर, इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, स्टीयर वेल, व्हाट हैपेंस, वो डिजॉल्व ही नहीं होता, स्टार्च नहीं होता, होता। उसके बाद मिक्स ए टी स्पून फुल ऑफ शुगर इन अनदर बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, स्टीयर वेल, व्हाट हैपेंस, तो विच इज सॉल्युबल इन वाटर, स्टार्च और शुगर, तो शुगर आपने ये एक्टिविटी प्रोटीन की तरफ आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस अमीनो एसिड, जैसे पेचीदा किस्म के नाइट्रोजन के मरकबात हैं दैट प्रोड्यूस अमीनो एसिड, जो आपको क्या देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स दे रहे थे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दे रहे थे, फ्रुक्टोज दे रहे थे, और ये क्या देंगे अमीनो एसिड्स। तो यानी सादा अल्फाज में कहता हूं हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपली यू कैन से द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, तो प्रोटीन्स आर मेनी फंक्शन द ह्यूमन बॉडी, दे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑक्सीजन, दे ट्रांसपोर्ट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, ऑक्सीजन, जो आप के ब्लड में एक प्रोटीन मौजूद, इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, वो प्रोटीन है जो क्या करती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है जी। और उसके बाद ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मतलब غذائی اجزاء کو اپ کے جسم میں, दैट आर द कैटलिस्ट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट मेक द लाइफ पॉसिबल। बहुत सारे रिएक्शंस को आम हालात में वो हो ही ना, लेकिन आपके बॉडी में वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, क्यों, प्रोटीन्स करवा रही होती है। फिर दे रेगुलेट मेनी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडीज, ये हमारे जिस्म में मौजूद बहुत सारे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, जारी रखते हैं और काबू में रखते हैं प्रॉब्लम को। no. फिर जी अमीनो एसिड्स हैं क्या, अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमीनो एंड कार्बन, अब इसमें दोनों ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी। अब अमीनो ग्रुप कहां पे, ये NH2 ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये पीछे एक चेन लगी हुई होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेफिनेशन जो बनी, डेफिनेशन जो बनी वो क्या बनी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कंटेनिंग बोथ अमीनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। दे जनरल फार्मूला इज आर लगाए इधर CH, यहां पे हाइड्रोक्सिल, यहां पे NH2, आर क्या साइड चेन है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, 20 के करीब होते हैं अमीनो एसिड्स, उनसे प्रोटीन्स बन रहे हैं। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स आवर बॉडी, जो इंसानों के इंसान में, कैन सिंथेसाइज ओनली 10 अमीनो एसिड्स, तो जो हमारी बॉडी में बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल, वो गैर जरूरी है, क्योंकि बॉडी में बन रहे हैं ना, जो बॉडी नहीं बना सकती दे आर एसेंशियल, अगर नहीं मिलेंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडीज, अमीनो एसिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, व्हाई, क्योंकि प्रोटीन्स की क्रिएशन के लिए हमें वो चाहिए, इफ दे आर नॉट अवेलेबल वी विल सफर फ्रॉम अ डिजीज, हम किसी बीमारी में मुबतला हो जाएंगे। स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का जी, एक आपकी चेन होगी, एक साइड पे अमीनो ग्रुप होगा, सेंट्रल कार्बन एटम है इसके, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, और इधर आपके पास आर लगा हुआ, ठीक है। फिर जी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइंट टुगेदर, ये बच्चे पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन है, वो भी देखते हैं पेप्टाइड लिंकेज होती है क्या और प्रोटीन बनती कैसे। ये आपके पास एक अमीनो एसिड है, दूसरा ये अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड अपने अमीनो ग्रुप से आचे देता है और दूसरा अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपको OH देता है, ये दोनों आपस में मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल खारिज कर देते हैं, और जिस जगह से बांड टूटा था नाइट्रोजन और कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन में ये बांड बनता है, इस बांड को किसका नाम दे दिया जाता है, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टू गैदर थ्रू अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बो ऑक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल बाय एलिमिनेटिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
द लिंकेज दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान में जो लिंकेज हो रही है, दिस लिंकेज विच इज, ये याद रखिएगा लिंकेज नाइट्रोजन और इसके दरमियान विच जॉइंस टू अमाइनो एसिड यूनिट्स इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड. द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए डाइपेप्टाइड, उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड. There is still an amino group. देखें यहाँ पे इसके इस चार्ट पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और इस चार्ट पे इसके अमाइनो ग्रुप है. अभी यहाँ पे भी लिंकेज हो सकती है और यहाँ पे भी लिंकेज हो सकती है, ये कह रहे हैं. There is still an amino group on the left side and a carboxyl group on the right side. Each of these groups can react further to join more amino acids. In this way, thousands of amino acids amino acid units join to form a jet molecular proteins. Problem is here. Peptide linkage ki definition kya ji? The bond which is formed by the elimination of water molecule between the amino group of one amino acid and carboxyl group of another amino acid is called peptide linkage or peptide bond bhi kehte hain. Dipeptide ka molecule which is formed by the combination of two amino acids through peptide linkage is called dipeptide. Problem किसी को? अब amino acid आप building block का protein, ये यहाँ पे वही चीज जो elimination reaction में पीछे दिखा रहा था. Two amino acids link through peptide linkage. Peptide linkage क्या is a bond formed by the elimination of water molecule between two amino groups of one amino acid. Three between the amino group of one amino acid and carboxyl group of another such as यहाँ बता रहा है. इसका hydroxyl है, इसका कार्बोक्सिल है और इसका अमाइनो ग्रुप है. यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से वो एच निकलेगा, लिंकेज बनेगी जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है. जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होंगे तो आपको प्रोटीन मिल जाएगी. सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन्स, तो मोस्ट प्रोटीन्स ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज, उनके अंदर बच्चे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट्स. जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क एंड चीज आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड द प्रोटीन, फॉर एग्जांपल पल्सेस, दालें हो गई, लोबिया शोबिया, फलियां शनिया आर रिच इन प्रोटीन्स. यूजेज एनी उनके रिक्वायर प्रोटीन इन योर डाइट टू प्रोवाइड अमाइनो एसिड्स टू मेक मसल्स, हेयर्स, एंजाइम्स एंड टू रिपेयर बॉडी टिश्यूज. प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, बालों में केराटिन मौजूद होती है. प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म. ये दोनों चीजें आते हो, ये कह दिया जाए कि एवरी मटीरियल इन साइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो सारा कुछ प्रोटोप्लाज्म का है. एवरीथिंग इन साइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. तो क्या प्रोटीन्स एसेंशियल जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म and components of cell? Problem is मतलब construction material. Proteins are essential for the both physical and mental growth, especially in children. A protein called gelatin is obtained by heating bones and tendons. अब bones तो आपको पता है, tendons क्या होता है? Tendons material होते हैं bones के दरमियान. मतलब tendons जुड़े होते हैं, धागे होते हैं वो. धागे होते हैं लेकिन क्या करते हैं tendons? Movement में. याद रखना ये, याद रखना दो टिश्यूज, ये कहूंगा जो बच्चे एक हड्डी को और एक मसल को आपस में जोड़ते हैं, सफेद कलर के होते हैं रस्सी नुमा. टेंडन्स जो है ना सफेद कलर के रस्सी की तरह, आप कभी देखे ना यहाँ पे भी आपको ये अभी ये टेंडन है, ये रस्सियां सी होती हैं. खासतौर पर वो बकरी चकरी जब करते हैं तो वो सफेद कलर की नालियां सी, हाँ वो सफेद कलर के जो है ना, दे आर टेंडन्स. तो टेंडन्स और बोन्स को हीट करने से गर्म पानी में एक गाढ़ा मादा मिलता है, गाढ़ा सा मादा मिलता है, इट इज कॉल्ड जिलेटिन. उसको लोग यूज करते हैं बेकरी गुड्स के अंदर, मतलब बेकरी में जो आप चीजें खा रहे होते हैं वो बनाने के लिए. कभी पाले पकाए घर में जी, उनसे जो चिपचिपाहट वाला मादा नहीं आज पिकते हैं वो जिलेटिन, वो निकालते हैं. Enzymes are proteins. Enzymes are proteins that catalyze the specific biological reactions without which life would be impossible. So proteins are so important that if your
जो आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के रिएक्शन जिससे आपकी बॉडी जो है वो जिंदा है, तो अगर वो रिएक्शंस ना हो तो आप फौत हो जाए, मर जाए, बिरयानी खाने को मिले, ठीक है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन विदाउट विच लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। द एंटीबॉडीज दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो एंटीबॉडीज जो आपके ब्लड में मौजूद होती हैं और लड़ती हैं डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया और जर्म्स के खिलाफ, वो बताते खुद भी क्या प्रोटीन। एंटीबॉडीज दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द ग्रोथ अकर्स इन द फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के पहले दो साल में। इस्लाम में भी ये बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए? दो साल। हाँ जी, क्योंकि ज्यादातर जो इंसानी जिस्म की दिमाग की जो ग्रोथ होती है दो साल तक होती है। तो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ अकर्स इन द फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ लाइफ, द ह्यूमन ब्रेन रीचेस नियरली फुल साइज बाय दिस एज। प्रोटीन डेफिशिएंसी लीड्स टू बोथ फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन, से दिमागी कमजोरी भी रह जाएगी और जिस्मानी कमजोरी भी रह जाएगी, इसलिए दूध दूध पिया करो। आगे चले, सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एंजाइम्स आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंजाइम जो है ये तजारती लेवल पे बड़े अहम है। दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्वीटनर्स, ये कहां इस्तेमाल होते हैं स्वीटनर्स? क्या होते हैं? मीठा टेस्ट प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स हैं, फ्लेवर्स। चॉकलेट सिरप्स, चॉकलेट बनाने में भी एंजाइम्स यूज होते हैं जी। बेकरी प्रोडक्ट्स, इन्फेंट फूड, सीरियल वगैरह बनाने में। जो डिटर्जेंट्स टू रिमूव फूड स्टेन्स, ठीक है, उनके अंदर भी एंजाइम्स यूज होते हैं। इन चीज मेकिंग, पनीर बनाने में। इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज टू रिमूव द स्टिकी मटीरियल टू प्रिपेयर फैब्रिक फॉर क्लोथिस, धागे बनाने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, फॉर क्लोथिस, फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स लाइक डायस्टेस, इनवर्टेज एंड जाइमेज आर यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ, ठीक है। अब बताइए ये तीन एंजाइम्स हैं, ये करते क्या है? मोलासिस, जिस फैक्ट्री में शुगर कैन से चीनी तैयार की जा रही होती है, शुगर तैयार की जा रही होती है, वहां पर जो कचरा होता है, जो मटीरियल पीछे बच जाता है, बचा कुचा माल, उसको पकड़ते हैं, उसको मोलासिस कहते हैं। उसको पकड़कर उसको उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में आपको क्या मिलता है? अल्कोहल मिलती है, फैट स्पिरिट मिलता है और बहुत सारी चीजें निकालते हैं, यह बताएंगे आपको। तो डायस्टेज है जी, एंजाइम लाइक डायस्टेज, इनवर्टेज एंड जाइमेज आर यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस एंड स्टार्च टू प्रोड्यूस द इथेनॉल, इथाइल, दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। अमाइलेज इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, अमाइलेज कहां यूज होता है? ब्रेड बनाने में, ब्रेड डबल रोटी। और प्रोटीएजेस एंड अमाइलेज आर यूज इन डिटर्जेंट्स टू रिमूव द फूड स्टेन्स ऑन द क्लोथिस। लैक्टेज इज यूज इन इन्फेंट फूड्स। तो अब आपसे मैंने चार यूजेस पूछने हैं, एंजाइम्स होते हैं क्या, उनके डेफिनेशंस, एंजाइम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ आपको बता रहा हूं कि पहली बात तो आपने एंजाइम्स की डेफिनेशन बतानी है, फिर एंजाइम्स के यूजेस और उनकी एग्जांपल्स बतानी है। ये नीचे जो चार है ना, चार एग्जांपल्स लिखी हैं और यूजेस लिखे हैं, और बीच में उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी एक नोट मैं कहूंगा आपसे, मुझे आपने ये अलग करके लेने सारे, ठीक है। इसी के साथ आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ गई। तो कहता है, चलो ये पहले साइड पे कहता है, एन एक्सट्रीम लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स कॉजेस ए डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड, क्या पढ़ते हैं आप इसको? क्वाशियोर कोर इस बीमारी का नाम है जी। द सिम्टम्स इंक्लूड रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, बंदा बढ़ता बढ़ता कोई नहीं है। डीकलराइजेशन, बंदे की स्किन का रंग खराब हो जाता है, पीला हो जाता है, स्किन जो है वो हेल्दी नहीं रहती, इसलिए खा भी करें आप लोग सारे, ठीक है। ये डाइट शाइट नहीं किया करें, मैं डाइट पे हूँ, जो डाइट करते हैं बाकी उनके चेहरा खराब हो जाता है।
So the symptoms include retarded growth, decoloration of skin and hair, बाल भी खराब हो जाते हैं, bloating, ये bloating क्या होती है? Decoloration skin and hair, bloating, a swollen belly and mental apathy. अच्छा, swollen belly मतलब फूला हुआ पेट और mental apathy? दिमाग की कमजोरी. हाँ जी, और bloating का मतलब क्या? सोजश. सोजिश जिसम पूरे पे सोजिश आ जाएगी, स्वेलन बेली, फूला हुआ पेट एंड मेंटल एपैथी, बेपरवाही, सर्द मोरी, दिमाग बिल्कुल सुस्त, मतलब जेन का कुंद हो जाना, कुंद जेन, सुस्ती जो आप सब में है. सो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज क्या जी? What two functional groups are found in amino acids? आपको पता कौन कौन से amino acids नाम से शुरू है? Amino group और वो कौन सा फॉर्मूला बता दे जरूर. कार्बोक्सिल ग्रुप, शिड्यूलर ग्रुप. डिफाइन प्रोटीन्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स क्या हैं? द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स. ड्रॉ पेप्टाइड लिंकेज, आपने ये रिएक्शन लिखना अभी यहां पे. दो अमीनो एसिड्स बनाने हैं ये वाला रिएक्शन, ये ड्रॉ करनी है आपने. डिफाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं, प्रॉपरली डिफाइन करें आप. हाँ जी, मैं जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ. अच्छा, दो अमीनो एसिड्स आपके पास which are produced in our body are called essential. Those amino acids which are produced by the human body are called the non-essential amino acids, and those amino acids which are not produced by the human body in the human body, अपनी body की बात हो रही है, they are called essential amino acids. Problem किसी? If human के लिए essential. Human अपने लिए बात कर रहे हैं ना, जो हमारी body में नहीं है. तो essential amino acids जो कि हमारी body में ना बनते हो, they are essential, और जो बनते हैं वो non essential. आगे जी, activity to observe and explain denaturing of proteins. Carefully break an egg, एक अंडा तोड़िए and pour it in its content in the bowl, और जो उसका जो मवाद अंदर से निकलेगा उसे एक प्याले में डाल दें. Observe its contents, उसके मवाद जो है, जो उसके हिस्से हैं, जो उसके अज्जा हैं, उनका मुशाहिदा करें. Boil another egg, पर एक और अंडा उबाल लें. फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए रिमूव कवरिंग शेल, जिसके ऊपर छिलका उसको उतार लें. कट इट इनटू टू पीसेस, उसको दो हिस्सों में काट लें एंड ऑब्जर्व देखें. तो वाइट विस्कस फ्लूड आर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन एग इज प्रोटीन, वे प्रोटीन है, इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं. बंदा एल्ब्यूमिन की डेफिनेशन पूछ रहा है ना, वाइट विस्कस फ्लूड प्रेजेंट इन एग इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन. व्हेन एग इज बॉइल्ड दिस प्रोटीन सॉलिडिफाइड, ये जो प्रोटीन है ये सख्त हो जाती है या कोएगुलेट्स, ठीक है, इसका मतलब भी सख्त हो जाना. दिस चेंज ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन, आप कोएगुलेशन भी कहते हैं इसे. द डीनेचरिंग मे अकर ड्यू टू द चेंज इन पीएच वैल्यू, ये पीएच चेंज होने से भी अकर हो सकती है. डेफिनेशन है नीचे, द सॉलिडिफिकेशन और हार्डनिंग ऑफ प्रोटीन ऑन हीटिंग इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन या आर चेंज इन पीएच वैल्यू. नीचे द डिसरप्शन इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ड्यू टू द हीटिंग आर चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड डीनेचरिंग आर कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स. लिपिड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे. तो इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं.